हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर फर्स्ट है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा सिविक्स का सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता क्यों पाई जाती है। डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या अंतर होता है विविधता और असमानता में। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और कैसे विविधता में एकता होती है। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। इफ़ यू कंपेयर योर आंसर विद द वंस ऑफ योर फ्रेंड्स, यू विल नोटिस दैट वाइल सम ऑफ योर फ्रेंड्स अग्री विद यू एंड अदर्स डू नॉट। हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर जब बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो कुछ हमारे दोस्त उस बात को लेकर राजी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। द डिफरेंस इन ओपिनियन, चॉइसेस, प्रैक्टिस एंड इट्स अपीयरेंस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी कि जो हमारे ओपिनियन, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें यदि किसी तरह का अंतर आता है तो ये डाइवर्सिटी कहलाती है, विविधता कहलाती है। नाउ लेट अस स्टडी इन इट इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं, डाइवर्सिटी का अर्थ समझते हैं, डाइवर्सिटी मीनिंग। हैव यू एवर इमेजिन हाउ अवर सोसाइटी वुड लुक इफ एवरीबडी लुक एट द सेम, वोर द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स, स्पोक द सेम लैंग्वेज एंड सेलिब्रेटेड द सेम फेस्टिवल। यानी कि आप इस समाज की परिकल्पना कीजिए कि हर एक व्यक्ति एक ही जैसे कपड़े पहने, एक ही भाषा बोले, एक ही तरह के त्योहारों को मनाए। वुड इट नॉट बिकेम वेरी बोरिंग इफ़ वी सी द सेम थिंग्स एवरी डे। तो क्या ये हमारे लिए बेहद बोरिंग नहीं हो जाएगा यदि हम एक ही चीज़ को रोज़ाना होते हुए देखें। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अगर रोज़ाना एक ही तरह का खाना खाएं, एक ही तरह का भोजन करें, तो उससे, उस खाने से हमारा जो स्वाद है वो भी हटने लगेगा और वो हमें बोरिंग लगने लगेगा। तो आवर सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग, संस्कृति, धर्म और भाषाएं पाई जाती हैं। वी आर ऑल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, ओपिनियन एंड बिलीफ। और हम सभी के पहनावे, दिखावे, ओपिनियन और जो मान्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वी प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम सभी अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, हम सभी अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी कि एक दूसरे से विविधता या जो अंतर है उसी को हम डाइवर्सिटी यानी विविधता कहते हैं। यानी एक दूसरे के विचारों से, भावनाओं से, मान्यताओं से, तमाम अन्य चीज़ों से जब हमारे अंतर स्पष्ट होते हैं उसको हम विविधता कहते हैं। However, we must not confuse diversity with inequality. हम किसी भी तरीके से diversity यानी विविधता को असमानता के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, उसमें confuse नहीं हो सकते हैं कि diversity भी एक है और inequality भी एक है। While diversity refers to the state of being different, diversity का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से अलग हों, विविध हों। इनइक्वलिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अनइक्वल, जबकि इनइक्वलिटी हमें दर्शाती है कि हम असमानता जाहिर कर रहे हैं, अनइक्वलिटी बता रहे हैं। इनइक्वलिटी इमर्ज आउट ऑफ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पीपल इन दी सोसाइटी। इनइक्वलिटी तब उभर कर आती है जब समाज के किसी एक हिस्से को, किसी एक भाग को जो उपयुक्त संसाधन हैं और जो अवसर हैं वो उपलब्ध नहीं कराए जाएँ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन इंडिया, भारत में इनइक्वलिटी इमर्ज आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम।
कि भारत में जो असमानता है वो कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था के कारण उभर कर आई है। द कास्ट सिस्टम डिवाइड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जाति प्रथा समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित करती है। इट ऑल्सो डिक्टेटेड द प्रोफेशंस दैट द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स कुड प्रैक्टिस विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी चेंज। यानी ये डिक्टेट करती है उन प्रोफेशंस के मेंबर्स को दैट द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स कुड प्रैक्टिस विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी चेंज। यानी कि लोग बिना अपना व्यवसाय बदले, यानी नाम के आधार पर चलता है कि भाई इनका ये नाम है तो ये इसी काम को करने या इनका यही पेशा होगा। मतलब अगर उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो अगर सोनी है तो वो सोने या सुनार का ही काम करेगा और अन्य काम नहीं करेगा। तो इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है वो भारत में, या जो जाति व्यवस्था है वो डिफ्रेंशिएशन का एक बहुत बड़ा काम करती है। तो द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ द सिस्टम इंश्योर दैट पीपल हु बिलोंग टू द हायर क्लास कास्ट इन्जॉय मैनी प्रिवलेजेस। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है इरिवर्सिबल नेचर का कि जो लोग हायर क्लास के होंगे उनको ज़्यादा प्रिवलेजेस यानी विशेषाधिकार हासिल होंगे, वाइल पीपल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट दे वर डिनाइड ऑल राइट्स। और जो मुख्यतः लोअर क्लास से बिलोंग करते होंगे उनको अधिकांशतः सभी अधिकारों का पालन करने का अवसर नहीं दिया जाता। इन द कंटेम्परी टाइम्स इनइक्वालिटी ऑल्सो इमर्ज आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यानी कि कंटेम्परी टाइम्स यानी जो समकालीन समय है, असमानता के साथ जो इकोनॉमिक डिफरेंस है यानी आर्थिक असमानता जो है वो भी उभर कर आई है, जिसके कारण रिच और पुअर यानी अमीरी और गरीबी का फासला भी बढ़ा है। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया है कि देश की जो कुल आबादी है उसके जो 1% अमीर लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, देश के जितने भी कुल लोग हैं उनमें से जो 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 70% जो संपत्ति है वो उनके पास है अकेले। यानी सोचिए कि 1% लोगों के पास 70% के आसपास जमीन या जो संपत्ति है वो है, बाकी की जो 30% संपत्ति है वो 99% लोगों के बीच में बटी हुई है। तो आप असमानता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। आइए इनके कारण को समझते हैं। डाइवर्सिटी होने के क्या कारण हैं? डाइवर्सिटी इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स। डाइवर्सिटी यानी विविधता कई अलग अलग कारणों के कारण होती है, कारकों के द्वारा होती है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑक्यूपेशनल डिफरेंस, लैंग्वेज, रिलीजन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। हिस्ट्री, पीपल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, जॉब्स और ट्रेड पार्टनर्स। यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह नए भूमि, काम और व्यापारिक सहभागिता ढूंढने के लिए ट्रैवल करते हैं। सम ऑफ देम आल्सो सेटल्ड इन दीज कंट्रीज, देयर बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। अब कुछ लोग जब नई नई जगहों की खोज के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर जाकर वो बस भी जाते हैं। इस कारण जब दूसरी जगह से आया हुआ एक व्यक्ति अपने साथ नई सभ्यताओं, अपने साथ नई कल्चर को लेकर आता है तो वो भी उस देश की, उस इलाके की, उस ज़मीन की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। वेन न्यू कस्टम एंड द प्रिवलिंग कल्चर ऑफ द नेटिव्स अमेगलमेटेड, यानी कि जो नई संस्कृति है और जो उस देश की, उस जगह के नेटिव्स यानी निवासियों की संस्कृति है वो सभी अमेलगमेटेड यानी
मिलकर एक संयुक्त रूप धारण कर लेती है। जैसे कि कहा गया कि भारत पहले प्राचीन सनातियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन जब इसमें अरबों का आना हुआ, पहले ये आर्यंस की भूमि हुआ करती थी, आर्यंस के बाद जब जो वैदिक एज की हम बात करते हैं, उसके बाद मौर्यन एज आया, गुप्ताज एज आया, उसमें तमाम अलग अलग अरब के देशों के लोगों के साथ हमारे ट्रेड कल्चर बढ़ता है और जो ट्रैवलिंग है वो बढ़ती है, तो इसके साथ वहाँ के जो अरब कंट्रीज़ के जो कल्चर्स हैं, साथ ही फिर बाद में यूरोपियंस आते हैं भारत में, तो उनका जो ट्रेड एंड कल्चर का जो दौर है वो भी भारत में आता है और वो संस्कृति भारत में एक डेवलप होती है। तो डाइवर्स सोशल प्रैक्टिस वर इंट्रोड्यूस इन सोसाइटी, जो डाइवर्स सोशल प्रैक्टिस हैं यानी अलग अलग सामाजिक प्रथाएं हैं वो समाज में इंट्रोड्यूस होती हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल व्हेन द मुस्लिम रूलर्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया, जब भारत में मुस्लिम शासक आए और वो यहाँ पर आकर बसे, दे ब्रॉट विद देम द पर्शियन लैंग्वेज, तो वे अपने साथ पारसी भाषा को भी लेकर आए। व्हेन पर्शियन मर्ज्ड विद द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जब पर्शियन भाषा जो है वो मर्ज होती है लोकल लैंग्वेज के साथ, इट गिव राइज टू अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू, तो इससे एक नई भाषा उर्दू का जन्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई हो, बाकी का जो हिस्सा है वो मैं अगले वीडियो में आपको कवर करके बताता हूँ।